आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान बच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे, कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा? जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा? साथियों, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप, मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे, ऐसे नहीं सब लोग बताओ, आंकड़ा याद रखोगे, पक्का याद रखोगे? जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडिगेट अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी, रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इस कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को
आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। मेरे परिवारजनों, गरीब के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब ने इस, भाइयों बहनों, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने यह तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया, आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां गया। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? घर घर जाकर के बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा। साथियों, कांग्रेस शासन में अनेकों छोटे छोटे बच्चों की कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है, किसी सरकार की इससे बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है? कांग्रेस सरकार ने इस खौफनाक सच्चाई को दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। कांग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सरोकार है, लेकिन आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है।
इसके तहत छत्तीसगढ़ को भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और जब हमने नियम बनाया तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो मुझे स्पेशली मिलने आए थे और रमन सिंह जी ने कहा, साहब आपने ऐसा निर्णय किया है, क्या आपने हिसाब लगाया है क्या होगा? मैंने कहा बताइए। बोले मेरे कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस फंड से इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा जितना पहले बजट से नहीं मिला है, और अब तो शायद इन जिलों के लिए हमें अतिरिक्त बजट भी नहीं बांटना पड़े और ये जिले आते ही निकल जाएंगे। ये शब्द रमन सिंह जी ने मुझे आकर के कहे थे, लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसका भी बंटाधार कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इन पैसों पर भी डाका डाल दिया। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया है। साथियों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। और छत्तीसगढ़ के नौजवान तो 6 महीने में ही समझ गए थे कि मर गए, और जब लोकसभा का चुनाव आया सबकी सब सीटों पर भाजपा को विजयी बना दिया था, क्योंकि सब समझ गए थे कि धोखा है। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं, जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता, और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मेरे परिवारजनों,